हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट E1, E2 एंड E3, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स इज अल्फा, ओनली E2 अकर्स इज बीटा, ओनली E3 अकर्स इज गामा। लेट द प्रोबेबिलिटी बी दैट द नन ऑफ इवेंट E1, E2, E3 अकर सेटिस्फाई द इक्वेशंस अल्फा माइनस टू बीटा इक्वल्स टू पी एंड अल्फा बीटा एंड द बीटा माइनस थ्री गामा इंटू पी इक्वल्स टू टू बीटा गामा। अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अकर्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी पी है और नॉट अकर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका क्यू माइनस वन हो जाएगा। तो यही हम इस ईच एंड एवरी केसेस में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने इवेंट E1, E2, E3 के लिए हमने लेट कर ली कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन है वो क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E2 है वो आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है वो आपका क्या हो जाएगा, जेड केस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अल्फा की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्फा के केस में हमारे पास जो अकर्स होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। नॉट अकर्स क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई, और यहाँ पे वन माइनस जेड का केस बन जाएगा। ठीक है, बीटा की बात करेंगे तो यहां से हमारे पास आपका जो हो जाएगा वाई अकर्स में आ जाएगा, नॉट अकर्स में आपको क्या मिलेगा, वन माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पे वन माइनस ऑफ जेड मिल जाएगा। और गामा के केस में आपका क्या, जेड हमारे पास अकर्स में आ जाएगा, बाकी नॉट अकर्स में वन माइनस एक्स और यहाँ पे वन माइनस का वाई आ जाएगा। आपको समझ में आ गया हुआ E1, E2, E3 आप ये कहा गए अकर्स यहाँ पे हमने निकाल लिया। अगर हम पी की बात करें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पी भी दे रखा, तो पी भी हमारे पास क्या मिलेंगे, ये नॉट अकर्स में क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस एक्स और वन माइनस वाई और आपका वन माइनस का जेड आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है कि अल्फा माइनस टू बीटा पी इक्वल्स टू अल्फा बीटा, तो इसको लिख लेते हैं हम अल्फा माइनस टू बीटा इंटू पी इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स है आपका और वन माइनस वाई, वन माइनस जेड और माइनस ऑफ टू। बीटा क्या है आपका, वाई हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस एक्स और यहाँ पे आपका वन माइनस का जेड मिल जाएगा। ठीक है, और इनटू में पी दे रखा, पी हमारे पास जो है वन माइनस एक्स और आपका वन माइनस वाई और आपका वन माइनस जेड इक्वल टू, और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा एक्स वन माइनस वाई वन माइनस जेड हो जाएगा, और बीटा का क्या हमारे पास वाई हो जाएगा और ये मिलेगा वन माइनस एक्स और यहाँ पे वन माइनस का जेड। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो वो हम कैंसिल कर देंगे। ये तो देखो वन माइनस एक्स, वन माइनस वाई, वन माइनस वाई, वन माइनस जेड और वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई वन माइनस जेड। अब इसमें से क्या है, देखो यहाँ वाले वन माइनस जेड आपका कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स वन माइनस वाई और माइनस ऑफ टू वाई और ये बचा वन माइनस का एक्स बचा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ बचा आपका एक्स वाई वन माइनस जेड, तो वन माइनस जेड से क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ टू वाई माइनस ऑफ कितना हो जाएगा आपका, टू एक्स सॉरी प्लस हो जाएगा टू एक्स वाई और इक्वल टू आपका एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई में से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू टू वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टू वाई, यानी कि जो एक्स अपॉन में वाई है वो क्या मिल जाएगा आपका, टू अपॉन में वन मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, तो ये आपका टू अपॉन में वाई है, यानी कि हमारे पास जो निकल के आई है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इवेंट का आया है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इवेंट का आया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि बीटा माइनस थ्री गामा इंटू पी, यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा माइनस थ्री गामा इंटू पी इक्वल्स टू टू बीटा गामा। अब सारी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई वन माइनस एक्स वन माइनस जेड, माइनस ऑफ थ्री जेड हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस एक्स और यहाँ पे वन माइनस वाई हो जाएगा। पी का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, वो है आपका वन माइनस एक्स वन माइनस वाई वन माइनस जेड। टू बीटा का वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे, वाई
वन माइनस जेड और यहाँ पे वन माइनस एक्स, और गामा का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, तो जेड हो जाएगा वन माइनस एक्स और यहाँ पे वन माइनस वाई। तो वन माइनस एक्स, वन माइनस वाई, वन माइनस जेड आपका कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और अब इसमें से जो कॉमन है वो आपका वन माइनस का वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में यही दे रखा है, वन माइनस का एक्स जो कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या आपका वाई, वन माइनस जेड बचा, और माइनस ऑफ थ्री जेड वन माइनस का वाई बचा, और इक्वल टू में बचेगा आपका टू वाई जेड बचेगा, और इनटू में हो जाएगा वन माइनस का एक्स बचेगा। तो वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो वाई माइनस का हो जाएगा वाई जेड माइनस ऑफ थ्री जेड हो जाएगा, और प्लस ऑफ थ्री जेड वाई हो जाएगा, और इक्वल्स टू टू जेड वाई। अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई अपॉन में जेड इक्वल्स टू आपका थ्री मिल गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारे पास जो केस था पिछले वाला केस वो क्या था, एक्स इक्वल्स टू आपका टू वाई था, देखा था ना यहाँ पे। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, तो ये मिलेगा वाई इक्वल्स टू आपका एक्स अपॉन में टू मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स अपॉन में टू जेड हो जाएगा, एक्स अपॉन में टू जेड और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थ्री, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको, एक्स अपॉन में जेड इक्वल्स टू सिक्स मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इवेंट का, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। सिक्स रेशियो वन, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।